नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पिच फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पिच फैक्टर के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। हो सकता है जैसे मैंने आपको पिच फैक्टर बोला, कहीं पे यही आपके पास क्वाइल स्पेन फैक्टर के नाम से आए या फिर क्वाइल या फिर किसी और नाम से आए। तो बच्चों, आइए हम समझते हैं पिच फैक्टर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे केपी या केसी की जो वैल्यू होती है वो कॉस अल्फा बाय 2 होती है और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बच्चों, यहाँ एक सिंगल सा डायग्राम मैंने लिया है। इस सिंगल लाइन डायग्राम में आप देखेंगे मैंने ईएमएफ लिया है अपने कंडक्टर का, दैट इज ई, यानी दो कंडक्टर के रिस्पेक्ट में मैंने ई और ई दोनों का हमने वैल्यू लिया और दोनों का जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा दैट विल बी ई आर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसका रिजल्टेंट ईएमएफ है जो मुझे कैलकुलेट करना है। अब बच्चों, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फुल पिच के जगह पे अगर मैं फुल पिच लेता, आपको याद होगा फुल पिच के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, अगर मैं फुल पिच लेता तो इन दोनों कॉयल का जो अरेंजमेंट होता वो इस तरीके से होता, यानी इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री एक दूसरे से अपार्ट होता है। लेकिन यहाँ फुल पिच के जगह पे मैंने शॉर्ट पिच यूज किया है और शॉर्ट पिच करने के लिए मैंने अल्फा एंगल से इसको शॉर्टिंग की है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों कॉइल साइड्स कॉइल के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा एंगल। अब आप जानते हैं ये एक कंप्लीट एंगल होता दैट विल बी 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला एंगल अल्फा डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री, यानी इस एंगल को मैंने 180 डिग्री माइनस अल्फा ले लिया। अब एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है दैट विल बी 180 डिग्री, आप जानते हैं ऑलरेडी। इसमें से यहाँ अगर 180 डिग्री माइनस अल्फा इस एंगल की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, दोनों एंगल आपस में बराबर है और दोनों की वैल्यू है अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी मैं यहाँ पे दो सम लूंगा, एक जिसको हम बोलते हैं ऑर्थमेटिक सम और दूसरा जिसको हम बोलते हैं फेजर सम। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं केपी यानी केसी। मैं केपी बोला तो पिच फैक्टर, केसी बोला तो क्वाइल स्पेन फैक्टर या फिर क्वाइल ब्रिथ फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, मैं केपी लिखूं या केसी लिखूं, दोनों का यहाँ पे मीनिंग एक ही है। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा डेफिनेशन आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन ये केपी केसी किस में होगा, फुल पिच कॉयल में या शॉर्ट पिच कॉयल में? तो स्वाभाविक है बच्चों, ये शॉर्ट पिच कॉयल में होगा क्योंकि पिच फैक्टर है, कॉयल स्पैन फैक्टर है। अब केपी केसी का जो वैल्यू होगा उसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ टू सम्स। पहला सम जिसको हम बोलते हैं फेजर सम, यानी ये फेजर सम ऑफ वोल्टेज, जैसे मेरे पास ई और ई दो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो फेजर सम ऑफ ईएफ में बोल सकता हूँ ईएमएफ ऑफ टू कॉइल्स, या फिर मैं डायरेक्ट फेजर सम ऑफ लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई अर्थमेटिक सम। पहला फेजर सम, दूसरा अर्थमेटिक सम ऑफ टू कॉइल्स ऑफ कॉइल्स। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों का फेजर सम कितना होगा, इन दोनों का अर्थमेटिक सम कितना होगा? तो अर्थमेटिक सम तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, ये ई है और इसकी वैल्यू भी ई थी, तो इस तरीके से इसका अर्थमेटिक सम होगा 2e, मींस अर्थमेटिक सम की जो वैल्यू होगी, अर्थमेटिक सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थमेटिक सम ऑफ टू कॉइल विथ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ee इज इक्वल टू 2 into E, that is equation number 1. अब यहाँ सवाल आता है, what will be the value of phasor sum? Phasor sum की value हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है बच्चों, हमारे पास इस कंडक्टर का वोल्टेज E है, दूसरे कंडक्टर का वोल्टेज E है, दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है 180 डिग्री माइनस अल्फा, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू है अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, तो आप आसानी से इस रिजल्टेंट वैल्यू को निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का आप कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, आप चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी कॉस, यानी यहाँ पे ई वैल्यू है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ओ ई यानी ई मैग्नीट्यूड ये है, इसके साथ अल्फा बाई 2 है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू
ई कॉस अल्फा बाय टू, और सिमिलरली ये वैल्यू भी आएगी ई कॉस अल्फा बाय टू, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ई आर की, दैट इज इक्वल टू टू ई कॉस अल्फा बाय टू, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब मैं इन्हीं दोनों सम्स को यूज करके क्या निकालूंगा, केपी या केसी की वैल्यू, यानी मैं केपी लिखूं या केसी लिखूं, दैट इज द रेशियो ऑफ फेजर सम और अर्थमेटिक सम। तो फेजर सम कितना था बच्चों, टू ई कॉस अल्फा बाय टू, अर्थमेटिक सम कितना है बच्चों, दैट इज टू ई, इसमें से टू ई से टू ई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ केपी या केसी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय टू। मीन्स यहां से आप हमेशा के लिए याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होगा, हम आगे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय टू। अब अल्फा क्या है आप बता सकते हैं, अल्फा इज कॉल्ड शॉर्ट पिच एंगल। आपको याद होगा हमने शॉर्ट पिच एंगल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, जब दो क्वाइल स्पैन्स को हम एक दूसरे से 180 डिग्री से किसी कम एंगल पे जब हम उसको स्पैन करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 180 डिग्री माइनस अल्फा है, क्योंकि हमने अल्फा डिग्री से क्या किया है, इस कॉइल को शॉर्ट किया है, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पिच एंगल, यानी जो शॉर्टिंग किया है उसका जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा। अब यहाँ बच्चों केपी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप जानते हैं केपी की जो वैल्यू होती है दैट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 1 केपी या केसी की वैल्यू, और मैं आपको ट्रिक के लिए बता देता हूँ, इसका एवरेज वैल्यू 0.9395 से लेके 0.98 के बीच में वैरी करता है, ताकि हम इसे जो अगर इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो क्या होगा बच्चों, जो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू है वो और मिनिमाइज हो जाएगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट उतना ही करते हैं ताकि हार्मोनिक्स को कम कर सके, कॉपर को सेव कर सके, लेकिन इतना भी ना कम हो कि मेरे मशीन का जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज ही कम हो जाए। तो दैट इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ पिच फैक्टर, या फिर क्वाइल स्पैन फैक्टर, या फिर क्वाइल ब्रीथ फैक्टर। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।